ये करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये मोबाइल का भी बोलते देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई स्कैनिंग का आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं, जब भी हम स्कैनिंग करते हैं ना रिस्पॉन्सिव करते हैं तो हम हमेशा छोटी स्क्रीन पे टारगेट करते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए। आपने छोटी स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव कर लिया, बड़ी स्क्रीन आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इन्होंने क्या लिखा हुआ भाई, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इस चीज को थोड़ा आसान करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे टाइपोग्राफी और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अच्छा भाई क्लास इस चीज को समझना गौर से। अच्छा भाई मैंने इसका वेरिएंट कर दिया, H2 चेक करते हैं भाई, H2 आ गया आपके पास। अच्छा भाई मुझे कितनी स्टाइलिंग, क्या कितनी क्लास, मुझे मैंने लिखा यहाँ पे FX और मैंने इसे मैं पास कर दी स्टाइलिंग। अच्छा भाई मैंने लिखा यहाँ पे कलर, कलर इसका कर दो रेड, सही क्लास चेक करते हैं जरा कलर रेड हो गया इसका। अच्छा भाई अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी करना चाहता हूँ, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मिसाल के तौर पर कंडीशन है मेरी, मैं चाहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड जो है सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे दिखे, कहाँ पे दिखे, मोबाइल स्क्रीन पे, ना मीडियम पे दिखे सॉरी ना टैबलेट पे दिखे ना लैपटॉप पे दिखे। भाई तीन स्क्रीन से नहीं होता आपके पास, से नहीं होते जो ज्यादा यूज होते हैं, लार्ज स्मॉल और मीडियम। लैपटॉप सारे किस में आते हैं, लार्ज में आते हैं, पाकिस्तान के अंदर मीडियम में आते हैं क्योंकि हमारे पास क्या फर्क पुराने मॉडल रखे हुए हैं। 90-20 होती है ना स्क्रीन, एक होता है आपके पास सारे पिक्सल होते हैं 90-20 होता है आपके पास, वो सारे लैपटॉप होते हैं बड़ी स्क्रीन होती है लार्ज स्क्रीन मिलाती है। एक होती है आपके पास मीडियम स्क्रीन जो सारे टैबलेट्स होते हैं, जिसको आप लोग ये कर लो कंसिडर के 992 जितनी बड़ी स्क्रीन होती है आपके पास, और 1024 तक होता है या 1250 तक होता है। ये सारे किस मारे होते हैं, किस कैटेगरी मारे होते हैं, ये टैबलेट्स मारे होते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि आपके पास जो लैपटॉप होते हैं ना वो टैबलेट स्क्रीन के लैपटॉप होते हैं, क्योंकि हमारे पास होते ही सारे पुराने मॉडल्स हैं। आजकल जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं 2020-21 के अंदर 2022 के अंदर, तो वो सारे 1920 से ऊपर आ रहे हैं। मतलब 1920 से लैपटॉप की स्क्रीन अब स्टार्ट होती है, उससे कम स्क्रीन में रेजोल्यूशन नहीं आती कोई भी। और मोबाइल स्क्रीन के अंदर होता है सारे स्मॉल होता है, एमयूआई के अंदर भी होते हैं सारे स्टाइलिंग लिखी भी उन्होंने सारे स्क्रीन साइजेस से, हमारे पास 500 काम आकर अप्लाई होती है। आगे जाके डिस्कस करते हैं उसको, अब ये चीज आ गई है समझा दूंगा मैं आपको। अच्छा भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो ना स्मॉल स्क्रीन पर आए, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी आ जाए, मीडियम पे और लार्ज पे ना आए। अच्छा भाई इस वक्त जो जिस स्क्रीन पे हो ना ये मीडियम रख रहे से, ये लार्ज नहीं होगी, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। ये मीडियम ही होगी, अगर मैं 90-20 करता हूँ ना तो ये लार्ज होगी, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करता सिस्टम। मैं पढ़ाई में मॉडल डिस्प्ले भी आ रहा। अच्छा भाई तो है वो रहने दो, क्या कुछ नहीं कर सकते। अब आप खुद देख लो भाई, या तो मॉनिटर 90-20 सपोर्ट नहीं करता तो मतलब ये लार्ज स्क्रीन में आते ही नहीं, डिस्प्ले नहीं होता ये। अच्छा भाई अब मैंने क्या करा, डिस्प्ले आप लोगों ने वो यूज करा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वीडियो क्यूरी, मैं तो अरसा ही यूज नहीं करी, वीडियो क्यूरी यूज करी ना हम लोगों ने। वीडियो क्यूरी में क्या करते हो, स्क्रीन को डिफाइन करते हो कि भाई ये चीज मीडियम में दिखे लार्ज में दिखे, ये चीज स्मॉल में दिखे मीडियम में ना दिखे, ऐसा होता नहीं होता, सेम वही यहाँ पे। बस क्या है मीडिया के लिए आसान अल्फाज होगा, आपको @ मीडिया स्क्रीन साइज डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं, जिंदगी क्या हो गई आसान हो गई। आपने लिखे डिस्प्ले और आप क्या पास करोगे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट पास करोगे भाई। आपने लिखा स्मॉल स्क्रीन, ऐसा का मतलब क्या है स्मॉल,
आपने लिख दिया भाई यहाँ पे अगर स्मॉल हो तो क्या दिखा दो इसको, ब्लैक दिखा दो, और अगर एमडी हो तो क्या दिखा दो, मीडियम पे क्या हो गया ये नन हो गया। अब जैसे ही आपकी स्क्रीन साइज किस पर आती है भाई, ये मीडियम चल रहा है सारा, जैसे ही क्या पर आया ये स्मॉल पर आ गया, आपके पास कंपोनेंट शो हो गया। तो ये होती छोटे मतलब शॉर्ट एंड मीडियम की होती जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा ना एमयूआई का, ये वो साइज लेगा स्मॉल मीडियम। अगर आप चाहते हो नहीं भाई आप अपने स्मॉल मीडियम डिफाइन करना चाह रहे हो तो आपको थीम बनानी पड़ेगी। अच्छा भाई क्लास समझ आई नहीं है, आगे बढ़े आप बता दो भाई, ये समझ भाई या नहीं आई, मतलब ये जो कंटेनर है ना आपके पास ये वाला बॉक्स, ये कब दिखेगा एक्स्ट्रा स्मॉल पे, एक्स्ट्रा स्मॉल से जितनी बड़ी स्क्रीन है उन सब पे क्या होगा, ये नन होगा। क्लास ये समझ में आ गई या नहीं आई, शुक्र। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा भाई ये वाला आइकन भी ये कब दिखेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल पे दिखेगा, मीडियम के बाद ये सब क्या आपके पास नन है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, एक और चीज इसको मैं और थोड़ा डिफाइन करता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल भी क्या ये फ्लैक्स है, अगर मैं इसको कर दूं लार्ज मैंने क्या कर दिया इसको क्लास। अब इसका मतलब देखो जरा, ये मीडियम स्क्रीन पे आपका शो होगा भाई, ये शो होना स्टार्ट होगा कहां से, स्मॉल से शो होना स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, लार्ज से पहले मतलब मीडियम तक, समझ आया क्लास नहीं आया। अगर मैं इसको कर दूं एक्स्ट्रा स्मॉल, इसका मतलब ये दिखेगा एक्स्ट्रा स्मॉल पे और मीडियम पे, जैसे ही लार्ज आएगा ये क्या हो जाएगा नन हो जाएगा, शो नहीं होगा। क्लास कोई सवाल किसी का इसके अंदर, एक्स्ट्रा स्मॉल पे शो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल पे शो, अगर मैं इसको कर दूं स्मॉल एक्स्ट्रा हो जाएगा शो करवा देते हैं, सही है भाई, क्योंकि भाई स्मॉल को उसको प्रॉपर्टी मिली हुई है, आपने एक्स्ट्रा स्मॉल को डिफाइन नहीं करा। तो हमेशा क्या करते हैं जब भी रिस्पॉन्सिव करते हैं ना हम छोटी स्ट्रीम से आगे जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल से आगे जाते हैं, अब तो एक्स्ट्रा स्मॉल चलती है हमारे पास, पहले नहीं चलती थी लेकिन अब हमारे पास होती ही यूज एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत, स्मॉल को नहीं करो एक्स्ट्रा स्मॉल कर लो तो वो स्मॉल भी अपने पास क्या कर लेता है हैंडल कर लेता है, एक्स्ट्रा स्मॉल रखो और मीडियम रखो बस, लार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले होता था कि भाई हमें हर चीज डिफाइन करनी पड़ती लार्ज मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल बुल स्टेप के अंदर, लेकिन मटेरियल का भी बड़ा फायदा है कि आप छोटी स्क्रीन को रखो बड़ी स्क्रीन खुद अपने रिस्पॉन्सिव होती रहेगी। क्लास इज क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई ये आपके पास दिखेगा कब दिखेगा ये आपके पास, अच्छा ये भी आपके पास ही दिखेगा, ये भी किसमें दिखेगा सिर्फ, अच्छा यहाँ देखो लोगो लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है ऐप बार, छोटी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको और बड़ी स्क्रीन पे, तो भाई इसको भी हम क्या कर देते हैं ऐप बार कर देते हैं। क्लास इज क्लियर हुई, कोई सवाल नहीं का। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा भाई क्लास अब एक सवाल है कि सर ये पेजेस हैं जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग और ब्लॉग टॉप, तो ये चीज तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं रही पेजेस के ऊपर, तो ये आ कहाँ से रही है भाई, भाई यहाँ देखो आपके पास एक बॉक्स है सही है, अच्छा ये आपके पास स्मॉल पे छुप जाएगा और मीडियम से बाद जितनी भी स्क्रीन है वहां पर सब क्या होगा ये विजिबल होगा। अच्छा भाई इसके अंदर है आपके पास एक यहाँ पे आपके पास मैपिंग जिसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है बटन, लेकिन भाई मैप किसके में चल रहा है, चेक करते हैं भाई पेजेस क्या बना है, जितने पेजेस थे उन सबको क्या बना है आपके पास भाई। एमयूआई की एक थोड़ी सी बुरी चीज लगती है, बुरी चीज कह लो खासियत कह लो, इसके अंदर चीजें ना काफी सारी कंप्रेस हुई होती है, मतलब कि आप देखो आपके पेजेस का क्या बना हुआ है, मतलब
एरे मतलब उन्होंने क्या करा बटन तीन ही बनाया, मतलब रीयूजेबिलिटी देख लो, उन्होंने क्या करा भाई एरे बनाया और उसके ऊपर मैप चला दिया। अच्छी बात है काफी। लेकिन अब एक चीज बताओ, आपको लिंक करवाना है इसको, कैसे करवाओगे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई, बंदा पढ़ रहा है, बंदे ने पिक करा है। अब क्या बनाना पड़ेगा आपको इसके अंदर? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या डिफाइन करोगे, पेज नेम और उसका लिंक। समझ में आया नहीं आया बंदे या नहीं आया? मुझे पता है नहीं आया बंदे, मुझे भरोसा आप लोगों पे, परेशान नहीं हो, बता देते भाई। अच्छा इसको बताता हूँ, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपके पास क्लास, मैंने जैसे ही अच्छा इस चीज को कहते हैं अवतार, क्या कहते हैं इसको क्लास? अच्छा अभी अवतार नहीं है, अगर इसके ऊपर इमेज हो ना तो अवतार कहलाता है, तो भाई इसको मैं अवतार ही कहता हूँ, अवतार ही कह लो। अच्छा भाई इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा ये मूवी वाला अवतार नहीं है, पता चला तो मूवी वाला अवतार लेके आ रहे नहीं, ये भाई सिंपल अवतार है। अच्छा भाई इसमें चार ऑप्शन है, प्रोफाइल, अकाउंट, डैशबोर्ड और भाई ये ऑप्शन के आपके पास क्लास क्या है? रीयूजेबल है। अच्छा भाई ये रीयूजेबल बनाने का फायदा क्या है, मतलब क्यों बनाया तुमने? बताता हूँ आपको, परेशान नहीं होना भाई। ये इसलिए बनाया क्यों? क्योंकि भाई मीडियम पे अलग है, मतलब मीडियम के ऊपर क्या हो रहा है, मीडियम के बाद स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है ड्रॉवर से या नहीं आ रहा भाई, जरा चेक करो। स्मॉल कहा मैंने भाई, पेज कहाँ है मेरे? अच्छा हाँ सही है, सॉरी ड्रॉवर से आ रहे भाई। अच्छा भाई देखो पेजेस यहाँ भी यूज हो रहे हैं और पेजेस कहाँ भी यूज हो रहे थे, यहाँ भी यूज हो रहे थे, तो इन्होंने क्या करा भाई, कॉन्सेप्ट यूज करी रीयूजेबिलिटी, एक जगह लिखा और दो जगह इन्होंने क्या कर लिया अपने पास यूज कर लिया। अच्छा भाई ये देख लो जरा, एक जगह यहाँ भी यूज हो रहा है पेजेस और एक जगह कहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, ये कौन सा वाला यूज हो रहा है चेक कर लो आप, स्मॉल स्क्रीन पर नाने। अच्छा ये यहाँ वाला है आपके पास, इसको मैंने अगर कमेंट करा तो गायब हो गया भाई, ये गायब हो गया, समझ में आया नहीं आया? अच्छा भाई काम करते सिंपल, अब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करके नेविगेट कर नहीं सकते या कर सकते हो? बटन के ऊपर रहते हो नेविगेट कर सकते हो? कर सकते हो कैसी? मैंने प्रॉपर्टी दे देंगे, बटन के ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे करूंगा? मतलब रियल ऑर्डर डाउन करना पड़ेगा ना बटन से भाई, बटन से कैसे करोगे मैं ये पूछ रहा हूँ, यूज करोगे ना? बिल्कुल। अच्छा भाई दादा आगे बढ़ते थोड़ा। अच्छा भाई क्लास अब मुझे करना ये कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो मैं कहाँ चला जाऊँ? प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। प्राइसिंग पे क्लिक करो कहाँ चला जाऊँ? प्राइसिंग के ऊपर। ब्लॉग पे क्लिक करो कहाँ चला जाऊँ? ब्लॉग के पेज के ऊपर। अच्छा भाई यहाँ पर सेटिंग आपके पास, प्रोफाइल, अकाउंट, डैशबोर्ड और लॉग आउट। अच्छा भाई ये सिनेरियो आपके पास क्लास, ये वाले सिनेरियो आपके पास 10 जगह आएंगे एमयूआई के अंदर, तो खास तौर पे एमयूआई के अंदर जितनी चीजें होती है ना इस टाइप की, ये सारी इसी तरीके से होती है। एक जगह करवाता हूँ, बाकी जगह खुद कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? शुक्र भरोसा है मुझे, वैसे इतना तो कर लोगे। अच्छा भाई क्लास सिंपल एक काम करते हैं, एक को करा कमेंट और एक को कर दिया कॉपी पेस्ट। यहाँ पर क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। क्या बनाया क्लास? अच्छा भाई एक एक प्रॉपर्टी दिया थे किस नाम से? नेम के नाम से। और एक दे दो आप लोग एचलेस। अच्छा भाई प्रोडक्ट का एचलेस क्या करते हैं भाई? सिंपल स्लैश प्रोडक्ट। क्लास समझ आया या नहीं आया? अच्छा भाई अब एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को कर लो क्या चीज, कॉपी करो, पेस्ट कर लो यहाँ भी और यहाँ भी पेस्ट कर लो। प्राइसिंग कॉपी करी, टॉप कॉपी करें, अब इसकी मुझे नीड नहीं है। अच्छा भाई ये हो गया प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपके पास?
और ये क्या हो गया बस लाभ हो गया ना जी, समझ में आ गए सबको। अच्छा भाई अगर मैं जाता हूँ अब आपके पास इसके ऊपर, तो यहाँ पे आएगा प्लस एरर, और एरर किस चीज का आएगा किसी को आइडिया कुछ? भाई इस एरर का नाम बताता हूँ मैं आपको, इस एरर को कहते क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट रिएक्ट का चाइल्ड नहीं बनता। यहाँ देखो मसला क्या है, पेजेस आपके पास ऐसा ही ऐसा नहीं है, पेजेस की तरह आपके पास क्या रिटर्न हो रहा है एक दफा ऑब्जेक्ट? आपने पेजेस के ऊपर भाई मैप तो चलाया है, लेकिन जो आपको चीज मिल गई आपने डायरेक्ट क्या करवा दिया इसको, यूआई के ऊपर रेंडर करवा दिया। सो रेंडर क्या हो रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूआई के ऊपर रेंडर नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पेजेस डॉट क्लास चेयर यहाँ तक। अच्छा भाई यहाँ भी चेंज होगा और दूसरे जगह भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा भैया, डन है यहाँ तक क्या? नहीं आया समझ में, सही है क्लास? यहाँ भी आ गया आपके पास और यहाँ भी आ गया। अच्छा भाई एक और मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? ठीक है मसला आ रहा है। अच्छा भाई यहाँ पर कर देते हैं इंडेक्स और इंडेक्स पास कर दो, आ गया भाई पेजेस क्लास से अभी क्या पास कर दिया आपने? इंडेक्स और की में क्या पास कर दिया आपने? इंडेक्स पास कर दिया। अच्छा इंडेक्स पास नहीं हो, इंडेक्स डॉट नेम पास करो, सही है, क्योंकि भाई इंडेक्स जो है ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। मतलब आप ये करते हो ना सर कि एक ही पेज के ऊपर रहते हुए दो जगह पे मैपिंग कर रहे हैं ये, और दोनों मैपिंग के अंदर आपने इंडेक्स दे दिया, तो इसमें बड़ा मसला ये है कि आपके पास जीरो जीरो मतलब दो दफा आई एक पेज के ऊपर, मतलब दो चाइल्ड के पास एक जैसी की नहीं हो सकती। अच्छा ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन इससे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाना है। अच्छा भाई पेजेस बना लेते हैं, एसआरसी पे आते हैं, आपने बनाया पेजेस, प्रोडक्ट डॉट जीएसएक्स, प्राइसिंग डॉट जीएसएक्स। अच्छा भाई दो पेजेस काफी है, ये चलो सब बना लेते हैं भाई, ब्लॉग डॉट जीएसएक्स। अच्छा भाई क्लास राउटिंग लिए यूज करते हम लोग, npm install rake router डॉक भाई अभी चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या मुश्किल है भाई? MUI फ्री में बढ़ा करता था, सिंपल कंप्यूटर उठाता लगा देता और करवा देता, चीजें बता देता हूँ क्योंकि आपको बाद में इसको यूज कर सकूँ, क्योंकि भाई मैंने देखा है अक्सर बच्चे यूज नहीं करते, मेरे काफी सारे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ा था उन्होंने, वो भी तो MUI यूज नहीं करते, वो कहते भाई भला है MUI, पर MUI भला है ऐसा नहीं, बहुत आसान है, अभी आपको पता चलेगा, अभी तो हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, इनिशियल स्टेज कर दिया हम लोग, थोड़ा रुको एक घंटा जाने दो आपको पता चलेगा। अच्छा भाई क्लास ये तो हो गया आपके पास, अच्छा भाई इसको जल्दी से हटा देते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर लिया भाई आपने?
बिल्कुल कर सकते हो। सिस्टम बहुत सुंदर नहीं है, कौन सा वाला प्रॉप होता है जिसके अंदर वो डिवाइड करते हैं? ये कौन सा पार्ट आपके पास? क्या चीज? ओह सॉरी कंपोनेंट नहीं। मैं पुराने वर्जन चला लिया भाई। पास सही कर। एलिमेंट पहली क्लास है, भाई ये ऑर्डर डाउन भूल गए, बड़ा अच्छा सवाल कर रहे थे भाई, कम हो जाएगा। भाई एलिमेंट हमने इसे यूज करा है, हमने इसके अंदर पार्ट डिफाइन करा है राउट के अंदर, कि जब आपके पास इस राउट मतलब स्लैश वाले राउट के ऊपर मतलब स्लैश पाथ के ऊपर कौन सा राउट निकाला है, सही है? तो भाई इसके ऊपर मुझे ये वाला एलिमेंट शो करवाना है, एलिमेंट के अंदर पाथ का कंपोनेंट रखना। अब मिसाल के तौर पे भाई यहां पे क्या होगा, स्लैश के ऊपर आपके पास आएगा कंपोनेंट कौन सा, होम पेज आ गया, होम पेज। अच्छा नेव बार क्यों आ रहा है, कब आएगा राउट के बाहर आ रहा है? भाई ये देख लो जरा क्लास, आप लोग मैंने एफ बार किस पर रखा है, राउट से बाहर रखा है, मतलब एफ बार ऊपर रहेगा और एफ बार के अंदर हमेशा क्या आएगा आपके पास, सारे डाउट बाहर होंगे, हमें बार बार हटने का कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, एलिमेंट समझ में आया, एलिमेंट में सिंबल पे कंपोनेंट पास करते हैं। अच्छा भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब जरा देखो यहाँ पे कितने राउंड्स आपके पास प्रोडक्ट, भाई चार राउंड्स है, स्लैश स्लैश प्रोडक्ट प्राइसिंग और ब्लॉक। स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है, प्राइसिंग के ऊपर प्राइसिंग वाला, ब्लॉक के ऊपर चेक करते हैं भाई काम बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने कहा स्लैश ब्लॉक में किसके ऊपर आ गया भाई, ब्लॉक के ऊपर आ गया। अच्छा भाई काम करते हैं क्लास सिंपल, यहाँ से टाइप करा सकते क्या करी, कॉपी करी प्रोडक्ट पे कर या पेस्ट करा, और डिस्क के अंदर ने क्या लिख दिया गलत भाई, टाइपोग्राफी करते हैं कॉपी और ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट पेज और इसका वेरिएंट कर दिया मैंने क्या चीज एच वन, कॉपी करा प्राइसिंग पे गए प्रोडक्ट पे गए कॉपी करा प्राइसिंग पे गए पेस्ट करा कॉपी करा इसको क्लास क्लियर है सर, चेक कर लो भाई ब्लॉक पे जाएगा आपके पास,
अच्छा भैया मुझे क्या करना है यहाँ पे, कहाँ मजा आएगा? प्रोडक्ट पे क्लिक करो, किस पेज पे आ जाओ? प्रोडक्ट पे आ जाओ। अच्छा भाई यहाँ पे एक बड़ा मसला है, क्या मसला है? जब मैं ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है और फिर मेरे पास कहाँ पे आ रही है, होम पेज पे आ रहा है। तो भाई इसको भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सबसे पहले कौन सा मसला रिजॉल्व करें, ये रिफ्रेश वाला भाई मसला हल करते हैं। आ जाओ भाई जरा ऐप बार के ऊपर, कहा है भाई ऐप बार, ये अच्छा भाई लोगों का, लोगों जरा देख लो यहाँ पे आपके पास लोग कितने होंगे, क्लास दो होंगे, एक स्मॉल स्क्रीन का और एक लार्ज स्क्रीन का। अच्छा भाई ये ढूंढना पड़ेगा आपको कि स्मॉल स्क्रीन कौन सा है, लार्ज स्क्रीन कौन सा है। आपको क्या लगता है ये कौन सा स्क्रीन का होगा? ये लार्ज का है, मतलब सबसे पहले भाई आपको इसको सही करना है। अच्छा भाई यहाँ पे लिखा हुआ टाइपोग्राफी, जिसके तरह आपके पास एक अगर ऐप बार है और यहाँ पे भाई S6 वेरिएंट वगैरह, लेकिन कंपोनेंट क्या है यहाँ पे एंड, तो भाई यहाँ पे हो गया मसला खराब क्योंकि ये क्या कर रहा है, पेज रिफ्रेश कर रहा है। मुझे क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, लिंक यूज करना चाहिए। भाई मैंने क्या करा इसको, सिंपल कमेंट कर दिया, या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, कमेंट नहीं करता, इसको लेकर आया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया मैंने। सही क्लास चेक करते भाई जरा, इसकी स्टैंडिंग क्या हो गई, खराब हो गई भाई, मसला नहीं स्टैंडिंग से हो जाएगी। कभी सबसे पहले नहीं हटाओ स्पेस, अच्छा भाई क्लास यहाँ पे क्या एक्सेस यूज हो गया यहाँ पे, नहीं होगा भाई, क्यों होगा, सही सवाल है भाई, क्यों, क्योंकि इन्वेंटरी में ऑलरेडी नहीं है। एक्सेस किसके साथ आता है, फिर एंट्री के साथ आता है, तो मैं तो क्या करना पड़ेगा यहाँ क्लास की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, स्टाइल इनलाइन कर लेते भाई। मैंने कलर क्या कर दिया इसका, व्हाइट कर दिया, टेक्स्ट। अरे एक और काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, आपको आप किसके अंदर हो भाई, एंकर लिंक का टैग कौन सा था भाई, मुझे चेक कर लेना, एंकर आ रहा है। भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये भूल जाता है वैसे, अब ये नहीं पता यहाँ पे होगा नहीं होगा, हो गया भाई। आपने क्या करा क्लास के अंदर भाई, ये काफी है ना, ये समझ लो पावरफुल है, इसके बाद जो ना अलग से कुछ पावर है, एक्स्ट्रा पावर है इसके बाद, सही है। तो ये करता भाई आज से कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते काफी सारी चीजें। पेरेंट्स हमने डायरेक्ट क्या करा, किसको डायरेक्ट कर लिया क्लास, चाइल्ड को। भाई इसके अंदर मैं होवर नहीं कर सकता हूँ, होवर की प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, क्या चीज नहीं समझा मैंने, हाँ बिल्कुल ये, लेकिन एंगल अटैक के लिए होवर होगा। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि इसके चाइल्ड में होवर दे सकता नहीं सकता, यहाँ पे मैं इसको होवर दे सकता हूँ टाइपोग्राफी को डायरेक्ट यहाँ पे। अच्छा भाई टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा भाई ये आसान ही मुश्किल है, मैं सीएसएस फाइल बनाता, वहां जाता, उसको टारगेट करता, क्लास देता, ज्यादा भाई ज्यादा काम करना पड़ता, क्लास क्लियर हुआ। अच्छा भाई अब एक मसला तो आपके पास ये हल हो गया, कौन सा मसला हल हो गया, मैं आया ब्लॉक के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सही हो जाएगा। अच्छा भाई ये तो हो गया विंडो वाले, पता अभी चलो बड़े स्क्रीन वाली बात करते, छोटे स्क्रीन बात पे जाते हैं। अच्छा भाई प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ कहाँ चला जाऊँ, प्राइसिंग पे क्लिक करूँ कहाँ चला जाऊँ। अच्छा भाई क्लास पेजेस का आपके पास ये सारे यही वाले हैं या कोई अलग है, यही है ना सारे, आ जाओ भाई कहाँ पे यूज हो रही है भाई, ये आपके पास बड़ी स्क्रीन वाले ऐसे ही क्लास। भाई फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है क्या कर लो, एक दफा कमेंट करके चेक कर लो, हाँ भाई ये वाले।
अच्छा भाई क्लास, अब मैं क्या करूं, बटन हटा दूं या फिर बटन के अंदर लिंक दे दूं?